हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। माफ़ी चाहती हूँ कि पिछले संडे में स्टोरी टाइम नहीं डाल सकी। कभी कभी लाइफ में भी बहुत सारी स्टोरीज होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की स्टोरी है हाउ आई मेट द ग्रेट लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मल्टी टास्कर लाइक मी, मैंने एक्टिंग नहीं की वैसे, देवानंद जी। जी हाँ, शायद मेरे मामा, मम्मा, मौसी, दादा, नाना सबके ही वो फेवरेट रहे होंगे और ऐसी बहुत सारी जनरेशन्स के हीरो रहे होंगे। तो क्रेज़ तो मुझ में खैर था, क्योंकि हम बचपन में वो पुराने गीत ये सब सुनते थे, फिर चित्रहार देखने लगे, तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो होती है। और मैं बहुत ही बड़ी फिल्मी बफ थी वैसे भी। तो यूँ तो सेंसर बोर्ड में जब से थी तो उनका एक प्रीव्यू थिएटर था बांद्रा में और उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था, तो मेरा आना जाना काफ़ी रहता था 90s से ही। पर उस समय हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, देखते थे कि दीप साहब है क्या, कहीं से दिख रहे क्या, मतलब वो ऐसी थी कि यार यार दिख जाए, तो दिख भी गए एक दो बार। ही हैड अ चार्म एंड स्माइल विच वॉज वेरी नेचुरल। वो आपको ना लाइफ की कोई थेरेपी, सर्जरी नहीं दे सकती, कुछ भी कर लो आप, इनेट होता है वो आपके अंदर एंथुजियाज्म, सारी चीजें। तो हुआ ये कि पहली मुलाकात ऐसे हुई, फॉर्मली इंट्रोडक्शन होता है और हाय हेलो गुड इवनिंग आप कैसे हैं। जब हम कगार का पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे एड लैब्स में, उसी रात शायद किसी रात हम लैब में थे, रील चेक करने गए थे, तो देव साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे चार्जशीट फिल्म की। तो पीआरओ थे तो उन्होंने हमारा भी इंट्रोडक्शन किया कि नए आए हैं ये, और उन्होंने इतने वार्मली हमसे सारी बातें पूछी, किस टॉपिक के बारे में फिल्म है, ये है वो, एंड दैट वाज सच अ माइंड ब्लोइंग इंट्रोडक्शन कि वी, मी एंड अमिताभ दयाल माय हस्बैंड, वी फेल्ट वेरी ऑनर्ड। फिर उसके बाद, ये 2003 की बात है, उसके बाद तुरंत ही 2005 में मेरी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर फिल्म मंथन एक अमृत प्याला गोवा इंटरनेशनल फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, और हमें काफ़ी सराहा गया और हमें काफ़ी सारे इवेंट्स भी करने थे मुझे और पद्मिनी जी को। तो हम गए थे, जब हम वापस लौट रहे थे तो उसी फ्लाइट में थे देव साहब। आप बताइए कनेक्शन क्या है। पद्मिनी जी ने एज अ हीरोइन, उनकी पहली फिल्म थी इश्क इश्क इश्क, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे देव साहब। ओ माई गॉड, जब भी रोंगटे खड़े होते कि मैं ऐसे लोगों में उठी बैठी कैसे हूँ, ऐसे क्या मैंने मेरिट्स पाए लाइफ में दैट आई मेट ऑल ऑफ दीज पीपल सो कैजुअली, सो नाइसली, विथ सो मच ऑफ वॉर्म्थ। मतलब उनकी जो था ना सहजता, एक अपनेपन वाली भावना, वो मुझे कभी नहीं भूलती। शायद इसी वजह से मैं भी ऐसे ही हूँ, ग्राउंडेड बहुत। तो उन्होंने पूछा, हमारी हीरोइन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं तो वैसे ही ओम में थी कि वी आर सिटिंग इन द सेम प्लेस वेयर देव साहब इज सिटिंग। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब पद्मिनी जी ने तो मुझे इतना फ्लोर कर दिया था उनका स्टोरी टाइम नेक्स्ट टाइम, कि मुझे लगता था यार ऐसी हीरोइन हो तो मैं एडिक्ट हो जाऊंगी फिल्में बनाने की। सो मच ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल एंड नेचुरल एक्टर एंड सो डेडिकेटेड। तो मैंने देव साहब से कहा नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर फिल्म इन्हीं के साथ करूँ, ये वो, मतलब घबराहट भी हो रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था क्या बातें की जाए, इतने बड़े व्यक्ति के सामने मुंह खोलने से भी डर लगता है ना कि गलत शब्द ना आ जाए, फंबल ना हो जाए। सुनती रही मुस्कुरा मुस्कुरा कर, उनकी मुस्कुराहट के आगे तो मेरी क्या, सबकी मुस्कुराहट फीकी, अंदर से आने वाला ग्लो। ये थी हमारी दूसरी मुलाकात। फिर उसके तुरंत बाद ही मैंने हिंदी फिल्म बनाई धुआं, वो फिर से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर और बेस्ट इंडियाज बेस्ट सिक्स फिल्म्स में सिलेक्ट हो गई। तो हमें जाहिर है मुझे वो स्वीट मिला गोवा पेंटा में इधर उधर, और कमल हसन जी चीफ गेस्ट थे और देव साहब भी आए हुए थे अगेन ऑन द सेम डे। तो सुबह ब्रेकफास्ट में भी मिले, बुफे में मिले, वो मुझे तुरंत पहचान गए, अरे मृणालिनी। तो मैं तो फ्लैट हो गई एकदम। फिर वो पूरे, वो बहुत जल्दी जल्दी वॉक करते, जल्दी 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 होता है, ही सो फास्ट, हिज मेमोरी वॉज सो शार्प कि उन्होंने मुझे पहचान लिया जबकि 2-3 साल हो गए थे। अब कौन सी फिल्म लेकर आई हो, कितने दिनों में बनाई, क्या ये, यू नो, एक डायरेक्टर, क्रिएटिव, प्रोड्यूसर, सारे इतने सारे सवाल ना, जैसे सवालों की झड़ी लगा दी उन्होंने, मैं एकदम हाँ हाँ ऐसा करके जवाब देती रही। फिर हम जब गेट में आए तो मैंने कहा देव साहब ये फोटो खींचे, इतने सालों के डायरेक्ट इंटरेक्शन के बाद भी शायद, मुझे लगता है 2008 में मैंने उनके साथ वो पूछ के तस्वीर खींची जो इस वीडियो में आप देखेंगे, तो मुझे आज भी चेहरे पे हंसी आती है। पता है लेजेंड्स नेवर डाई, दे लिव थ्रू देयर वर्क।
छोटा हो बड़ा हो, ये तो पता है आर्टिस्ट की यही खूबी है, हमारा काम ही हमारी ज़िंदगी है और हमारा काम ही रह जाता है, वही हमारी रियल सक्सेस है। सक्सेस की परिभाषाएं लोगों के लिए अलग अलग होती है कि 9 to 5 कमा लिया, कितने करोड़ का, लाख का पैकेज है, क्या कर रहे। मतलब मैं आजकल ये सुनती हूँ, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि मेरे लिए, मैं एक छोटे से गांव से जो आई हूँ लड़की, नॉर्मल इंग्लिश स्कूल में पढ़ के मेडिकल करके और पीजी के लिए यहाँ, तो मेरे लिए मेरी सक्सेस बहुत बड़ी है। कुछ लोग हैं मेरे अपने दूसरे जो पैसों में उसकी तुलना करते हैं सक्सेस, तो मुझे बड़े गरीब लगते हैं वो लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने लाइफ में क्या पाया है। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स बॉलीवुड के, इंडियन सिनेमा के, चाहे वो गुलजार साहब हो, चाहे वो विश्वजीत जी हो, चाहे वो देव साहब हो, और आगे बहुत सारे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है मैंने शायद 9-10 लाइफ का एक ही लाइफ में पा लिया सब कुछ। तो मैं अंदर से बहुत कंटेंट रहती हूँ और मुझे लगता है बहुत स्पेशल आत्मा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले। मिले ही नहीं, उन्होंने चाहत से बातें की मेरे साथ, पैशन से बातें की, मुझे सम्मान दिया एज अ फिल्म मेकर, जो मुश्किल से उस समय 2 फिल्में ही कर चुकी थी। और मुझे लगता है लाइफ की रियल सक्सेस यही होती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और फिल्मी लोग जुड़ जाएं और सुने इंटरेस्टिंग कहानियां मेरी, एक साधारण सी लड़की जिसका कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उसने काम किया और उसे कितने बड़े बड़े लोग मिले और कितना मान सम्मान दिया, ताकि आपके सपने भी जी पाए, पंख ले सके, उड़ पाए और ठहर सके। या आप भी अपने सपनों को साकार करो, किसी की बातों में मत आना कभी, ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ये कंटेंट आपको, ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन है जो एक आता है ऑल वाला ऑप्शन दबा दीजिए, उससे क्या होगा, उससे जब मैं अगली बार स्टोरी टाइम डालूंगी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और मुझे लिंक्स नहीं भेजने पड़ेंगे। मैं चाहती नहीं लिंक्स भेजो, मैं चाहती आप अपने आप आओ, आतुर रहो कि अब कौन सी कहानी सुनाने वाली है मृणालिनी। तो मिलते हैं अगले संडे, अब हम बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहेंगे, शो शुड गो ऑन नो मैटर व्हाट ड्रामा गोज इन माय लाइफ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए सपने बुनते रहिए, सपने देखते रहिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए। इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सपना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी बैकग्राउंड की किसी को ज़रूरत नहीं होती। कलाकार छोटा हो बड़ा हो कलाकार होता है, और अपनी कला के द्वारे सालों सालों नहीं शतकों तक, सेंचुरीज तक जिंदा रहता है, ये आप सबको मालूम है। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए और अपने सपनों पर भरोसा कीजिए और अपने सपनों की उड़ान बिंदास भरिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए नमस्कार।